हाय एवरीवन, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कुछ 11v11 एक्शन करने वाले हैं। बेसिकली सारे अटैक्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये लास्ट वॉर के अटैक्स है और सारे के सारे हॉग्स अटैक है, तो आपको खासा पसंद आएगा गाइज। और मेरे को पता है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इम्पॉसिबल स्ट्रेटजी की वीडियो लाओ, तो प्रॉमिस है कल वीडियो जरूर आएगी और मैं आज वीडियोज को फिल्टर करूंगा ताकि मैं उन अटैक्स को चूज कर सकूं जो आप लोगों ने मेरे को रेकमेंड करे हैं। तो गाइज, अगर आपके दिमाग में कोई भी अभी भी चल रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल देना ताकि इस वीडियो से मैं कुछ अटैक्स ले पाऊँ। So, अभी फिलहाल मैं आपको जो टैक्स दिखाने वाला हूं, सारे जैसे मैंने बताया 11v11 होने वाले हैं और हॉग्स के बेस्ड होने वाले हैं, तो काफी अच्छे टैक्स है, जरूर टैक्स को एंजॉय करें। और गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट एक लाइक देना, चैनल में फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइज। और आपको पता है कि गोल्ड पास के गिव अवेज हर सीजन में मैं गिव अवेज करने वाला हूं, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस वीडियो में कमेंट्स करने हैं, जो एक रैंडम कमेंट आप करना चाहते हो वो रैंडम कमेंट आप कर देना। तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं अटैक्स को कैसे हैं वो, और हॉक्स थीज 11 सब लोग जरूर पसंद करेंगे। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी हमारा करंट वॉर चल रहा है और 2012 अभी तो लीड कर रहे हैं हम लोग, 10 अटैक्स भी हम लोग ने कर लिया, अभी बहुत सारे अटैक्स बाकी है। बट जो एक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 11v11 वो लास्ट वाले वॉर में हुआ था, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाले वॉर में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सारे 11v11 होंगे, काफ़ी अच्छे अटैक्स हैं, हॉक्स के ऊपर बेस्ड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आई थिंक। तो ये हम यहाँ पे चलते हैं डिटेल्स पे और सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 4 के साथ। नंबर 4 के ऊपर नील ने अटैक किया था, वैसे नील काफ़ी अच्छा प्लेयर है हमारा। ये इस बेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइज, ये बहुत ही कॉमन बेस है। आप लोग एक बार कमेंट्स में बताओ कि कितने आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बेस अपने वॉर में देखा होगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ऐसे बेसिस को 3-स्टार करने के लिए। पहले आपको क्या करना है गाइज, एक बलून ड्रॉप कर रहा है जैसे यहाँ पे करें ताकि माइंस वगैरह ना लगे आपके बेबी ड्रैगन्स को, बेबी ड्रैगन से आपको फनल क्रिएट करना है। और एक चीज बता दूं गाइज, आप चाहे तो इलेक्ट्रो ड्रैगन भी यूज कर सकते हो, बट एयर डिफेंस आसपास हो तो मत करना, जैसे कि इसके एयर डिफेंस बहुत ही नजदीक थे। अगर दूर होते तो भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत ओपी होता है, बट अगर नजदीक है एयर डिफेंस तो आप बेबी ड्रैगन से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल ब्रेकर पेनिट्रेट कर जाएगा बेस के बहुत अंदर तक, विचेस आ रहे हैं, पोलर्स आ रहे हैं, आपकी क्वीन आ रही है, आपके ग्रैंड वार्डन आ रहा है, तो बहुत अच्छा सीन बन जाता है गाइज। और फनल क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सीसी में क्या यूज करें, भाई सीसी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। मैं जो कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ, एक है आप वैल्क्रीज ले सकते हो, बोलर्स ले सकते हो, या फिर पेका भी ले सकते हो। पेका भी बहुत अच्छा ट्रूप होता है अगर मल्टी इन्फर्नो हो तो, यहाँ पे सिंगल है बट आप मल्टी इन्फर्नो के सामने जा सकते हो विद पेका। तो ईगल आर्टिलरी का ऑलमोस्ट एक्सेस मिल गया है और ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जाइंट बम पॉप अप हुआ वैसे ही वहाँ पे वार्डन एबिलिटी टैप हो गई। तो गाइज काफ़ी अच्छा, अभी तक तो सीन काफ़ी स्मूथ जा रहा है, हॉक्स अभी तक ड्रॉप नहीं हुए हैं और एक बेस का बहुत बड़ा परसेंटेज बहुत सारे विजर टार्स निकाल दिया जो कि बहुत ही की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विजर टार्स आपको पता है हॉक्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, बट इतने सारे अगर आप विजर टार्स निकाल दो किल स्क्वाड के साथ तो उसके बाद हॉक्स को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 3 हील स्पेल्स अभी भी बचे हुए हैं, बम टार है एक जो थोड़ा सा थ्रेड है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा थ्रेड है, क्योंकि बम टार एक तो स्प्लैश में डैमेज करता है, उसके बाद जो उसका डेथ डैमेज होता है उसका बम का वो भी काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है। तो गाइज यहाँ पे एक और हील की ज़रूरत थी, यस एक और हील यहाँ पे कर दिया गया है। और इस बेस में एक बुरी बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं जैसे हॉक्स सेंटर में जा चुके हैं और हील यूज़ कर लिया गया है, वैसे सारे हॉक्स के ऊपर एक साथ हील का जो इफेक्ट है वो हो जाता है, क्योंकि बाहर के जो डिफेंस है वो हॉक्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, हॉक्स एक ही जगह में रहते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इस बेस का। एक तो आइलैंड बेस में पेनिट्रेट करना बहुत ही आसान है, उसके ऊपर से यहाँ पे ऐसे जगह में बाहर के डिफेंस रखे गए हैं जो कि रेंज से बाहर होते हैं कभी, या फिर कभी रेंज के अंदर होते हुए भी स्पेल के इफेक्ट में हॉक्स को कुछ कर नहीं पाते हैं। सो मेरे को कुछ खासा ये बेस पसंद भी नहीं है, और ऐसे बेसिस को कैसे 3-स्टार करना है अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और भी कुछ बेसिस क्यों मैं कैसे हॉक्स अटैक स्किल से आप 3-स्टार कर सकते हो मैं अभी आपको दिखाई देता हूं। ये अब हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि सिर्फ क्लीनअप बचा हुआ है और क्लीनअप देखने में किसी को मजा नहीं आता। तो गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे मजेदार कंटेंट में बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। और हमारी जो फार्मिंग के कुछ सीरीज है उनके ऊपर भी मेरे को वीडियोस बनाने हैं। तो अभी फटाफट चलते हैं नंबर 5 के ऊपर, और ये रहा नंबर 5 का बेस। ये बेस थोड़ा सा ट्रिकी लगा था मेरे को जब मैं फर्स्ट देख रहा था, बट इस बेस की भी एक बहुत बड़ी वीक पॉइंट है मैं आपको बताई देता हूं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कंपार्टमेंट है जहां पे ईगल है और जहां पे एक मल्टी इन्फर्नो है, वहां से अगर आप वॉल ब्रेकर डाल के अगर अंदर जाने की कोशिश करो तो आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के एक्सेस मिल जाते हैं। बट
एक अच्छी चीज भी है, क्वीन जो है वो ईगल से सेपरेट है। तो इस भाई ने यहाँ पे करा क्या है, थोड़ा फनल क्रिएट कर लिया पहले बेबी ड्रैगन से, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से जाने की कोशिश ये कर रहा है, बट इतने सारे यहाँ पे पॉइंट डिफेंस है, आपको दिख रहा होगा कैनन्स हैं, एक्सबो मेरे को दो एक्सबो दिख रहे हैं यहाँ पे आसपास, क्वीन है जो एक्सबो को प्रोटेक्ट कर रही है, तीन एक्सबो है यहाँ पे भाई। तो इतना सारा डैमेज जो है वॉल ब्रेकर ले नहीं पाएगा, बट फिर भी अगर आपका किल स्क्वाड हैवी है ऐसे बेसिस पे आप थोड़ा हैवी किल स्क्वाड के साथ जा सकते हो ताकि आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इमेंस वैल्यू मिल रहा है, एक हील स्पेल यहाँ पे यूज करा गया है जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको किल स्क्वाड की अच्छी वैल्यू मिल रही है तो एक स्पेल आप जरूर उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे ऐसे किया गया है। हॉक्स किसी भी वक्त ड्रॉप करे जा सकते हैं और यहाँ पे इस वाले कंपार्टमेंट से हॉक्स ड्रॉप हो रहे हैं, और मल्टी इन्फर्नो यहाँ पे भी एक मल्टी इन्फर्नो है, दोनों इन्फर्नोज जो थे इसके मल्टीपल सेट थे और मल्टी इन्फर्नोज हॉक्स के सामने कुछ अच्छा काम कर नहीं पाते हैं। सिंगल का भी सेम ही सीन है, अगर हील कर दो तो आप मल्टी के सामने आराम से बच जाते हो, और अगर सिंगल है तो फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है और ईजी हो जाता है। तो आज के डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप इन्फर्नोज को रखो तो रखो क्या, मल्टी रखते हो तो भी मुश्किल, सिंगल रखते हो तो भी मुश्किल। मल्टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेका का है, क्वीन का है, सिंगल इन्फर्नो टावर फिर बोविच कर सकते हैं और भी बहुत सारे टैक्स है। तो फिर बहुत ही आज के डेट में कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि इन्फर्नोस को रखे तो रखे क्या। तो मैं मैक्सिमम अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट करता हूं, आप एक मल्टी रखो एक सिंगल रखो, और जो आप सिंगल रख रहे हो उसको प्रोटेक्ट करो टेस्ला फार्म से या फिर एक दो विजिट टावर से, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ी अच्छी शायद रिजल्ट मिले, मैं एकदम श्योर नहीं हूं क्योंकि आज के डेट में मैं बताऊं तो मैं खुद कंफ्यूज हूं कि अपने इन्फर्नोस को मैं क्या करूं, सिंगल पर रखूं या मल्टी पर रखूं। क्योंकि जैसे मैंने बताया सिंगल रखता हूँ वो विच हो जाता है, मल्टी रखता हूँ पेका या फिर बहुत सारे, आपको भी पता है बहुत सारे टैक्स है, वो सारे टैक्स में कोई एक अटैक हो जाता है, तो डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है इन्फर्नो टार के लिए। तो पता नहीं, तो ये अटैक आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये भी काफ़ी अच्छा बेस था और ऐसे बेसिस को हॉक्स के साथ आप बहुत अच्छे से ट्रिपल्स कर सकते हो। और एक फाइनल अटैक में चलते हैं हम लोग गाइज, और क्लीन अप भी खत्म हो गया, वैसे क्लीन अप में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फाइनल अटैक में चलते हैं जो कि नंबर 6 के ऊपर हुआ था, और भी कुछ बहुत सारे टैक्स है बट मैं बेसिकली ये अटैक्स को इसीलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि हॉक्स अटैक्स हैं और हॉक्स मेरा फेवरेट ट्रूप, मेरे व्यूअर्स को पता है। ये वाला बेस भी काफी मैं क्या बताऊं, मतलब इजी नहीं बोल सकता और ये भी नहीं बोल सकता कि काफी चैलेंजिंग बेस है, फिर से वही सिंगल इन्फर्नोज। वैसे मैं खुद बताऊं, जैसे मैंने बताया अभी, सिंगल इन्फर्नो मल्टी इन्फर्नो चूज करना बहुत मुश्किल है आज के डेट पे। सिंगल इन्फर्नो तब अच्छा लगता है जब क्वीन वॉक में आपकी क्वीन को पकड़ ले या फिर वॉल ड्रैगन को बहुत तेज डाउन कर दे, और इलेक्ट्रो ड्रैगन या फिर ड्रैगन के भी काफी बड़े दुश्मन होते हैं इन्फर्नो टार्स पेका के गोलम के। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे फिर से फनल क्रिएट किया गया है, वॉल ड्रैगन ड्रॉप करा जा रहा है वो भी सिंगल इन्फर्नो के सामने, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि सिंगल इन्फर्नो कितनी देर टिक पाएगा। बट कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक लेयर ओपन हो जाए, मैक्स टू मैक्स दो लेयर ओपन हो जाए। यहां पे कोई फ्रीज स्पेल भी यूज नहीं करा गया, आप फ्रीज स्पेल्स यूज कर सकते हो। यहां पे फटाफट एक रेज यूज किया गया। इस वाले अटैक में काफी छोटा किल स्क्वाड है, बहुत छोटा। लास्ट अटैक में हमने देखा था बोलर्स थे, विचेस थे, बट यहां पे सिर्फ सीसी के वैल्करीज, एक ड्रैगन भी है आई थिंक क्लीन अप के लिए ड्रैगन रखा गया है, और क्वीन काफी अच्छी वैल्यू दे रही है, क्वीन चार्ज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स क्वीन चार्ज में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर सिंगल इन्फर्नोस डाउन हो जाए। क्वीन बहुत लास्ट करती है, बहुत देर तक रह जाती है जिंदा, और वैसे मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करता हूं क्वीन चार्ज हॉग राइडर्स, क्योंकि टाइम फेल होता है बड़ा। क्वीन चार्ज के साथ एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि टाइम फेल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किंग को यूज किया गया यहां पे टैंक के लिए, उसके साथ थोड़ा क्लीन भी कर देगा बाहर के कुछ ट्रैश बिल्डिंग्स को। हॉग्स ड्रॉप हो रहे हैं अब यहां पे ईगल आर्टिलरी के सामने, और हॉग्स एक बार ईगल निकाल दे उसके बाद इस बेस में डिफेंस करने के लायक कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि सिंगल इन्फर्नो टार्स हॉग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, एक एक हॉग्स को टारगेट करके आप कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाते हो, आपको बंच में टारगेट करने पड़ते हैं। तो यहां पे भी सेम सीन बन रहा है, हॉग सारे क्रूज कर रहे हैं बेस पे। यहां पे एक विजर्ड टावर आपको दिख रहा होगा, बट हील स्पेल्स किंग भी है यहां पे बचा हुआ, और ड्रैगन जो है वो क्लीन अप कर रहा है। जैसे कि मैं पहले ही सोच रहा था कि ड्रैगन इसीलिए यूज किया गया है कि क्लीन अप का जो प्रोसेस है वो लास्ट में स्मूथ हो जाए। हॉग्स चारों तरफ से घेर लिया बेस को, वैसे हॉग्स काफी सारे डाउन भी हो चुके हैं, कुछ बंच ऑफ हॉग्स यहां पे कुछ 6-7 हॉग्स होंगे, और स्केलेटन जो स्केलेटन है वो बहुत ही अनोइंग होते हैं। सच बताऊं तो बहुत सारे अटैक्स मेरे खुद के फेल हुए हैं स्केलेटन की वजह से, एक बार हॉग से पीछे पड़ जाते हैं तो बस पीछे पड़ जाते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी अभी तक क्यों पॉपअप करी नहीं गई है, क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे को नहीं पता क्या रीजन क्या है, बट कर देनी चाहिए थी क्योंकि हॉग्स वहां पे काफी सारा सर्वाइव करते, अभी तक नहीं करी गई है ये। तो भाई पता नहीं मेरे को क्या सोच के ऐसा किया इसने बंदे ने, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। क्वीन की एबिलिटी छोड़ो, चलो ठीक है क्वीन किसी के रेंज में नहीं थे, बट हॉग राइडर्स को सेव कर सकते थे ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज करके। सो गाइज आप हमेशा ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी अच्छे से यूज किया करो, यहां पे जैसे कि इस बंदे ने तो
कुछ खासा यूज अच्छे से किया नहीं, बट फिर भी ट्रिपल हो गया क्योंकि बेस जो था वो बहुत ही अच्छा बेस था और ट्रिपल करने के लायक था। एसके भाई ने यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया है, मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन जो है नोटिफिकेशन आ गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। अगर आप भी ऐसे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा लाल कलर का, उसे फटाफट ग्रे कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि ऐसे वीडियोज में आप लोगों के लिए और लाता रहूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल इम्पॉसिबल अटैक स्ट्रेटजी की वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा, मेरे को भी पता मैं थोड़ा डिले कर रहा था क्योंकि अब मैं वॉर में काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूं। सो गाइस ये एक और अच्छा बहुत ही शानदार ट्रिपल मेरे हिसाब से मेरे को लगा। तो ये तीन अटैक्स बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता था और होप श्योर कि ये अटैक्स आपको काफी पसंद आए होंगे। अगर ये अटैक्स आपको पसंद आए तो फटाफट लाइक कर देना वीडियो को और ये वीडियो की लाइक एम रखते हैं कुछ 4000 लाइक्स। अगर आपको पसंद आए तो फटाफट कंप्लीट कर देना, मैं ज्यादा लाइक्स की एम रखता हूं तो कंप्लीट होता नहीं है गाइस, पता नहीं आप लोग कर क्या रहे हो, फटाफट कंप्लीट कर देना। मेरे को पता है आप लोग पसंद करते हो, मेरे को पसंद करते हो, वीडियो को पसंद करते हो, बट फटाफट लाइक भी कर दिया करो ताकि और मजा आ जाए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, होप श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना वीडियो को। मैं मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहे एंड एज ऑलवेज गाइस जय हिंद बाय बाय।